जहाँ रिकॉर्डिंग वाला था वो चला गया, बोला 37 वाला कहाँ पे जो रहता यहाँ पे सिर लाल है? वाला नहीं थी। नहीं लाल से नहीं, उधर से रहता है हाँ तो वो चला वाला, गया होगा, वो खत्म हो गया, सेव हो गया। तो सेव हो गया होगा। हाँ हाँ अभी अभी नया से स्टार्ट हो रहा है। नया टेंशन नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, आवाज आ रहा है जी, देखो तो। हेलो हेलो, नहीं आवाज आ रहा है जी, चेक करो तो आवाज आ रहा है। हेलो देखो ना, आवाज आ रहा है मेरे लड़का, आवाज आ रहा है, देखो ना। आ रहा है तो तुम लोग का आवाज क्या नहीं आ रहा? आवाज हाँ, बोलो बोलो तो जाते मत। हाँ आ रहा है सर, आ रहा है आवाज। हाँ तुम लोग का भी आ रहा है। तो देखो हम बता रहे थे ग्राफ, समझिए ग्राफ का नाम क्या, आपको एक दो सेंस हो जाएगी, बोलो। हाँ बस 5-10 मिनट और पढ़ा देते हैं, बस इसको समझ लो आप। एक ग्राफ, बस एक और लाइन जोड़ना पड़ेगा। ये ग्राफ जो देख रहे हो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट किसके वजह से, विदाउट एंजाइम की वजह से, ठीक है जी। इसमें कोई एंजाइम का इस्तेमाल हमने नहीं किया था, अभी बोले नहीं, ये रिएक्शन बिना एंजाइम के करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक्टिवेशन मतलब बदलने में कितना टाइम लगेगा, 30 जूल लेना पड़ेगा। गौर कर रहे सब आदमी, इसको यहाँ से यहाँ तक एनर्जी का जो ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो ला रहे थे, कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 30 जूल एक्स्ट्रा, 30 जूल लोगे तो ना प्रोडक्ट बन पाया, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी कितना है? 30 जूल के बाद मिल रहा है ना, 20 तो पहले देना ही पड़ गया अंदर से, और देते देते 50 तक ले गई, तब जाके इसका चेंज होने का पॉइंट आया जी, ठीक है। 20 तक रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था, 20 के बाद ये तो खासा इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ कच्चा सामान का, और जब कच्चा सामान का प्रोडक्ट आपको टेम्परेचर बढ़ने लगा तो यहाँ पे आकर के बना दी, ठीक है। तुम लोग ये भी कह सकते, 0 पे भी हो सकता था टेम्परेचर भी, जैसे आप बर्फ को लेकर पिघलाना शुरू करते हैं तो बर्फ क्या होता है, -4 से शुरू होता है उसका ग्राफ, है ना जी। यहाँ से -4 से उसको शुरू करते जी, ठीक है, क्लियर हो रहा है जी क्या बना चाहे। अब जाके फिर 100 डिग्री से जाता है वो वेपर बनता है, उसका अलग ग्राफ बन जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी रिएक्शन को करो फिर से, लेकिन इस बार हम किसका यूज लेंगे, इस बार हम लोग यूज लेंगे एंजाइम का, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम लोग फिर से करते हैं जी, ठीक है। अब फिर से जब करेंगे इस बार हम लोग एंजाइम का मदद लेंगे जी, ठीक है। अब क्या करें, वही सामान है, वही रिएक्शन है, लेकिन आप दे रहे सर एंजाइम दे रहे सर। ये रिएक्शन रिएक्शन में क्या, ये था आपको ई लाइन में हम लिख देते हैं विदाउट एंजाइम, ये था आपको विदाउट विदाउट एंजाइम, ये बिना एंजाइम के था जी, ठीक है। और अब ये जो रिएक्शन बना रही है क्या था आपको, विद एंजाइम के साथ जा रहा है जी, ठीक है। अब तुम जानवी करते एंजाइम का डिफिनेशन हम लिखे थे ना, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, घटा देता है सर। जो 50 हो रहा था तो उसको किस पे कर देगा सर, आपको 30 पे कर दिया, है ना जी। देखो 30 डिग्री सेल्सियस से ही काम हो गया जी, तो एक्टिवेशन में से जहाँ 50 लग रहा था वहाँ 30 हो, काम अभी भी होगा, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन के बाद फिर से यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना, इस जगह पे पहुंच जाएगा जी, ठीक है। ये भी रिएक्शन क्या होगा, एक्जोथर्मिक, सेम सामान लियो ना, एक्जोथर्मिक होगा, बट सर इसमें इनपुट कम देना पड़ गया जी, ठीक है। इसमें इनपुट ज्यादा देना पड़ रहा था, इसमें कम देना पड़ रहा था। ये जो रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये क्या सर आपको एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी वॉट विदाउट विथ इंजाइम सर, विथ विथ इंजाइम, अब एनसीईआरटी का भी ग्राफ देख के समझ लो अपने आप को, समझा लो। ये क्या था आपको एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट इंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी वॉट विदाउट, ना विदाउट इंजाइम, विदाउट इंजाइम। तुम लोग से हम पूछे कि एक्टिवेशन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा वैसे, कि एक्टिवेशन एनर्जी बताओ इसमें कितना था, 30 था ना जी, 50 में से 20 घटा दोगे तो 30 आएगा, इसमें एक्चुअली 10 था जी, ठीक है, 30 में से 20 घटा देंगे तो 10 आएगा, ये तो अच्छा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। लेकिन हमको ये बताना है कि ग्राफ देख के तुमको ये बताना है कि कौन एंजाइम वाला है कौन बिना एंजाइम वाला, तो बता नहीं दोगे, ये नीट का क्वेश्चन था। अगर आप देख के ये भी बता दोगे एक्सोथर्मिक है इंडोथर्मिक है, अगर एस बड़ा रहे और पी छोटा रहे, इमेजिनेशन का सवाल का, एस बड़ा हो और पी छोटा हो तो इसका एक्सोथर्मिक है ना, एस माने सबस्ट्रेट और पी माने प्रोडक्ट, है ना जी। और यही जगह उल्टा कर देते, एस छोटा हो जाए बी बड़ा हो जाए जी, ठीक है, इसका क्या हो जाए इंडोथर्मिक। आपको लगा कि बचकाना से सवाल ये होता है एस और बराबर पी हो जाते हैं, इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, है ना जी, आपको इक्विलिब्रियम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, ना इसमें देना पड़ा ना कुछ लेना पड़ा, इक्विलिब्रियम में रह गया, ठीक है, पहले पर जम जाना चाहिए, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम इस सब भी पढ़ते हैं, वैसा टाइप का रिएक्शन ये हो जाएगा जी, ठीक है। कुछ समझ में आया है ना, ग्राफ समझ में आया जी, क्या बोलना चाहिए, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक समझ में आया जी।
अब ग्राफ देखिए, कोई लड़का अब घबराएगा ना ना, ये ग्राफ क्या मांग रहा है, क्या क्वेश्चन दे रहा है। ग्राफ दे देगा, खाली ध्यान देना इधर एनर्जी लिखा हुआ है ना, एनसीईआरटी में देखो तो पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। प्रोग्रेसिव रिएक्शन को टाइम बोलते हैं, ठीक है। टाइम का मतलब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का जो प्रोग्रेसिविटी है कितना मिनट में काम हो रहा है, उसको हम क्या नाम देंगे, टाइम के नाम से बुलाएंगे। ग्राफ ऐसे बना के छोड़ दिए, इसका मतलब ये क्या है, इंडोथर्मिक एनर्जी है ना, रिएक्शन होगा, एक्टिवेशन एनर्जी जितना लगाओ है ना जी। और उसके बाद अगर ऐसे ग्राफ बना के छोड़ दिए सर, ऐसे करके ला दी, क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक जीरो पे भी ला सकती है, लगा सकना की जीरो से कभी नहीं शुरू होगा, हो सकता है ना, तो टेम्परेचर जीरो पे चला जाए, लग रहा है दिमाग में क्या चाहे, वट एवर कुछ भी हो सकता है ना, हो गया हो गया, समझा दिए, पूछो किसी को पूछना तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जा सुनो कल से 6:15 में कर देंगे क्लास, 7:15 तक छोड़ देंगे, चले हो गया, क्लास ही नहीं कर दीजिए, लीव कर दो, लीव कर दो, ये एक्सोथर्मिक होगा, ये इंडोथर्मिक होगा है ना। ग्राफ देखो ऐसे यहाँ पी ऊपर है, एच छोटा हो गया पी बड़ा हो गया, इसमें क्या एच छोटा है, सॉरी एच बड़ा है पी छोटा है, ठीक है, ठीक है, जो बोले वही समझना, ठीक है, अपना रिसर्च मत कीजिए, हो गया जी, लीव कर दीजिए।